कैसे हैं डियर लर्नर्स वेलकम टू टी जी टी पी जी टी अड ट्वेंटी फोर सेवन आएम योर गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर ऐश्वर्यापुरी वेलकम टू माई क्लास आज हम लोग अपनी ये ई एम आर एस की जो तैयारी है इसके लिए डेडिकेटेड अप्रोच से एक और नॉवल की जो है समरी को कवर करने वाले हैं जिसका कि नाम है अ स्यूटेबल बॉय बाय विक्रम सेठ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ भाई अगर अभी तक किसी ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो वो बहुत ही भारी नुकसान में रहने वाला है क्योंकि उसका रीज़न ये है कि कोई भी जो एक तो, एक तो कोई भी एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो ना उसकी फ्री पॉप क्विज जो है वो हमारी एप्लीकेशन पे है दूसरा मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको जो है एम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पी डी भी सेंड करूंगी अपनी कम्युनिटी के वो भी आपको जो है आपको हमारी एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड आपके पास होना जो है बहुत जरूरी है तीसरी बात आप इसको डाउनलोड करके पैसे कमा सकते हो तो जो फर्स्ट टाइम यूजर एप्लीकेशन डाउनलोड करता है उसको फाइव थाउजेंड कॉइंस मिलते हैं जब आप हमारी पॉप को आंसर करते हो तो हर राइट आंसर के आपको जो है कॉइन्स मिलेंगे दस कॉइन इकट्ठे होकर आपको एक रुपये मिलेंगे यानी आप खुद भी जो है पैसा अर्न कर रहे हो फ्री में आप डाउनलोड करके आप खुद पैसा कमा रहे हो फ्यूचर में आप कोई और जब बैच परचेज़ करेंगे या कोई टेस्ट सीरीज़ लेंगे तो उसमें वो आप कॉइन्स को यूज़ करके आप और अपना जो है रिडक्शन करा सकते हैं प्राइस पर तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐप डाउनलोड कर लो भाई हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको ऐप आप डाउनलोड का तो ऐप डाउनलोड करके रखें एंड वहाँ से जो है आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं ठीक है हाँ जी आज कुछ मीटिंग में फंसी हुई थी इस वजह से यूजीसी के सेशन के बाद एक छोटा सा मीटिंग था मेरा और उसकी वजह से मैंने सेशन का टाइम भी सवा चार करा दिया था आप लोगों ने शायद देखा नहीं चार की बजाय सवा चार करा दिया था टाइम तो और उसके बाद थोड़ा स्टूडियो का इशू आ गया तो करते कराते लेट हो गया काम बट कोई बात नहीं हेयर आई एम नाउ तो क्लास एज़ यूजल धमाकेदार रहेगी पावर पैक्ड रहेगी डिले आपको फील ही नहीं होगा ठीक है चलो आ जाओ पढ़ना शुरू करते हैं जी आज हम कर रहे हैं अ स्यूटेबल बॉय आप लोगों ने देखा होगा वेब uh, कभी कभी न्यूज़पेपर्स वगैरह में ये जो क्लासिफाइड एड्स uh, आती हैं जहाँ पे आप uh, अपने डॉटर uh, के लिए आप एक जो है ग्रूम ढूंढ रहे हैं या फिर आप अपने बेटे के लिए एक ब्राइड ढूंढ रहे हैं तो वो एड्स में क्या लिखा होता है लुकिंग फॉर अ सूटेबल ग्रूम या लुकिंग फॉर अ सूटेबल ब्राइड फॉर माई वेरी हैंडसम गुड लुकिंग बॉय माई सन हैज स्टडीड दिस आप कॉनोटेशन समझ रहे हो इंडियन कॉन्टेक्स में जब अरेन्ज मैरिजे होती हैं तो हम एक बॉय की सूटबिलिटी या फिर एक गर्ल की स्यूटेबिलिटी को फाइंड करने की कोशिश करते हैं विज अज आरसन या डॉटर जो हमारे घर का बच्चा है उसके अकॉर्डिंग एक स्यूटेबल मैच जो है उसको मिले ताकि उसकी अच्छी शादी हो और उसका फ्यूचर जो है बेहतरीन हो तो वो जो है सूटेबल वर्ड वहाँ पे यूज है अब वो जो सेम आपने जो उस वर्ड का जो मीनिंग है जो उसका कॉनोटेशन है वो सेम जो है आपने यहाँ पे जो है यूज़ करना है यहाँ पे हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो अपनी डॉटर्स के लिए सूटेबल मैच फाइंड करने की कोशिश करेंगी ठीक है एंड उसके थ्रू जो है इंडिया में कैसे जो है पेट्रियाकी वर्क करती है कि कैसे जो है आ, हमें कैसे पीरियड की बात कर रहे हैं अभी नोवेल पहली बात तो हिस्टोरिकल नोवेल है हिस्टोरिकल सेंस में लिखा गया है तो अभी इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई है नहीं नहीं 1950s में जो है ये नावल सेट है ऑल दो इसको विक्रम सेठ ने लिखा एट अ मच लेटर एज है तो ये नावल भी अपने आप में एक हिस्टोरिकल uh, नावल है पहली बात दूसरी बात उस पीरियड में और आज भी खैर आज भी कई जगहों पर आप देखेंगे कि लड़कियों का जो है अपने शादी के लिए अपने फ्यूचर के इतने बड़े डिसीजन के लिए उनका कोई से नहीं होता उसके अंदर कि पेरेंट्स ने जहाँ रिश्ता तय कर दिया उन बेचारों को धक्के से वहाँ शादी करनी पड़ती है उनका कोई से नहीं होता कि वो लड़का कैसा है उसके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी मैच करेगी या नहीं करेगी ये सारे एस्पेक्ट्स तो उनको एक्सप्लोर करने दिए जाते ही नहीं है ठीक है तो यहाँ पे भी इस नोवेल में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी सोसाइटी में हमारे समाज में लड़कियों के पास ये जो अपना फ्यूचर लाइफ पार्टनर चूज करने की ये जो पावर है ये है ही नहीं और आप लाइफ पार्टनर चूज करने जैसी बड़ी बात क्या कर रहे हो छोटी छोटे फैक्टर्स ही मतलब लड़कियों के लिए अपनी एजुकेशन को ले लें अभी मैं रिसेंटली न्यूज में देख रही थी कि एक न्यूज़ कवरेज हो तो रही है पता नहीं कहाँ की थी वो वो लड़की बेचारी उसका वो चुनी बहन के सर पे वो पेपर देने आई थी और उसका शीट उसका हस्बैंड आके फाड़ के चला गया तो वो बेचारी अपने मायके आई हुई थी और उसका हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा था उसकी हायर एजुकेशन लेना तो वो अपने कोई बीए बीएड के डिग्री के पेपर देने आई थी उसके हस्बैंड को पता चला वो एग्जाम सेंटर आके उस बिचारी का पेपर फाड़ के चला गया ठीक है तो इस तरीके की हरकतें जहाँ पे एक लड़की को अपनी बेसिक एजुकेशनल राइट्स के लिए फाइट करना पड़ता है और लड़कियाँ घर से बाहर रह के नौकरी करें ये तो मुझे लगता है बहुत ही लड़कियाँ हैं मतलब मैं अपने को बहुत प्रिविलेज मानती हूँ मैं अपने को उस प्रिविलेज के लैडर पे बहुत हाई पे मानती हूँ जहाँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा और उन्होंने इस बात को समझा कि ये हमारी बेटी का हक है कि वो बाहर पढ़ने जा सकती है मैं आप अपने घर से दूर रह के नौकरी कर रही हूँ एक दूसरे शहर में तो ये चीज़ें ये जो ये जो लग्जरीज़ मुझे लगता है इंडियन कॉन्टेक्स में तो इनको लग्जरीज़ ही बोलेंगे ये जो लग्जरीज़ मेरे पास है इसकी वजह से मैं तो अपने आप को बहुत ही प्रिवलिज मानती हूँ बट हमारी एट्टी परसेंट लड़कियाँ इंडिया में नाइन्टी परसेंट लड़कियाँ जो हैं उनके हाथ में ये प्रिवलिज नहीं है तो हम देखते हैं कि कैसे हमारी सोसाइटी में पेट्रिया रन करती है और उसके साथ साथ जो है हम अपने नेशन की एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड को भी समझने की जो है कोशिश कर रहे हैं 1952 में जो है नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं तो उससे पहले जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इंडिया की हिंदू मुस्लिम जो सिचुएशन है रायट्स हैं कम्युनल वायलेंस है वो भी एक इम्पॉर्टेंट बैकग्राउंड बनता है इस नॉवल का वर्ल्ड फेमस नॉवल है एंड जितेंद्र सिंह स्टार्ट करो जितेंद्र सिंह आप क्लास से जा सकते हैं मेरी क्लास है मुझे जब स्टार्ट करना है तब स्टार्ट करूंगी मेरे बस चले मैं पूरी क्लास में इंट्रोडक्शन देके कल नॉवल स्टार्ट करूँ ठीक है लेकिन आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं क्लास कब स्टार्ट करूंगी uh, तमीज से बैठिए क्लास में बैठना है तो आपको जल्दबाजी है तो कोई बात नहीं आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना जब नेक्स्ट टाइम आएगी ठीक है चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो इस नावल में असेंशली कवर हो रहे हैं सो द नावल इज अ सटायरिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ नेशनल पॉलिटिकल इश्यूज़ ठीक है नेशन के पॉलिटिकल इश्यूज को हम देख रहे हैं ड्यूरिंग द नाइनटीन सो नाइनटीन so, का बैकग्राउंड है नॉवल में 1952 के नेशनल इलेक्शंस होने वाले हैं उनसे पहले हमारे देश में किस तरीके का जो है एक सोशियो पॉलिटिकल एन्वायरमेंट है किस तरीके का कम्युनल एनवायरमेंट है हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है कैसे रन कर रही है वो सब जो है नॉवल के बैकग्राउंड में हमें देखने को मिलता है ठीक है द हिंदू मुस्लिम स्ट्राइव कॉन्फ्लिक्ट डिस्क्रिमिनेशन ठीक है सबसे पहले तो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स कैसी कॉन्फ्लिक्ट कैसी चल रही है इसके बाद डिस्क्रिमिनेशन ठीक है अनटचेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इस नॉवल में कवर किया गया है क्लास सिस्टम अपर क्लास किसको मानते हैं लोअर क्लास किसको मानते हैं अपर क्लास कैसे लोअर क्लास को सब्जुगेट करके रखती है ये एस्पेक्ट्स भी नॉवल में कवर हो रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स ठीक है जमींदारी सिस्टम को कैसे धीरे धीरे करके खत्म करके जो है लैंड अलॉटमेंट्स किए जा रहे हैं डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल प्रिंस एंड लैंड लॉर्ड ये तो मैंने आपको बता ही दिया पहले ये जो ठाकुर होते थे चौधरी होते थे इनसे इनके ये टाइटल्स ये इनसे इनके दर्जा ये लेकर जो है अब इनको जो है आम बनाया जा रहा है इनको कॉमन बनाया जा रहा है वो सब कुछ जो है इस नॉवल में देखने को मिलता है असेंशली हम नाइनटीन फिफ्टीज में फोर फैमिलीज के थ्रू जो है ये सारे सोशल पोलिटिकल बैकग्राउंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं नॉवल अपने इन फैमिलीज़ और इनकी स्टोरीज के थ्रू जो है हमारी सोसाइटी को और इंडियन कल्चर को इन जनरल जो है समझने की कोशिश करता है कि कैसे जो है हमारा जो सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट है हमारी स्टोरी का वो कैसे कवर्ड है वो हमें इस नावल में देखने को मिलता है क्योंकि इस नावल में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं और चार फैमिलीज़ हैं और हर कैरेक्टर की अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ है एक इंडिविजुअल स्टोरी है उन नावल ओवरऑल सोशल रियलिज्म का नावल है लेकिन हम हर कैरेक्टर के अंदर झांक के देख सकते हैं हम हर कैरेक्टर का डीप साइकोलॉजिकल uh, uh, यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं तो उस रिगार्ड ये नावल कहीं ना कहीं जॉर्ज एलियट के नावल मिडिल मार्च से इसको कंपेयर किया गया कि मिडिल मार्च भी एक सोशल रियलिज्म का नावल है जिसमें हर कैरेक्टर की स्टोरी को इतना डीपली इतना डेप्थ uh, के साथ एनालाइज किया गया है कि ऐसा महसूस होता है जैसे कि आप जो है कोई uh, हर कैरेक्टर की एक अलग साइकोलॉजिकल स्टोरी समझ रहे हो पढ़ रहे हो तो ये नावल बिल्कुल उसी तरीके से देखा जा सकता है नावल की जो प्रोटैगनिस्ट है हमारी उनका नाम है लता मेहरा ठीक है लता मेहरा जो है इनकी आ, ये इनके फादर नहीं थे इनकी मदर एक विडो थी तो उनकी मदर जो है वो अपनी बेटी को बड़ा जो है एम्पावर्ड बड़ा करती है उनकी जो अपब्रिंगिंग है काफ़ी एम्पावर्ड है एक ऐसे टाइम में जब लड़कियां स्कूल कॉलेज जाने का नहीं सोच सकती यूनिवर्सिटी जाती थी पढ़ती थी अंदर बाहर घूम फिर सकती थी और अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग कर सकती थी मूवी देखने जाती थी तो उनको वो सारी फ्रीडम्स थी अच्छा पहले अगर लड़कियों को ऐसी कोई फ्रीडम दी भी जाती थी तो हमेशा उनके साथ उनके साथ एक मेल शेपरॉन छोड़ा जाता था एक ऐसा फैमिली का मेल मेम्बर जो जो है उस लड़की उस औरत के साथ रहेगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लेकिन लता के साथ ऐसे किसी मेल शेपरॉन को नहीं छोड़ा जा रहा है ठीक है उनको एक एम्पावर्ड फीमेल की तरह एक इंडिपेंडेंट फिगर की तरह जो है उनकी मदर ने उनकी अपब्रिंगिंग की है तो लता जो है जब वो बड़ी होती है और उनकी शादी होती है उनकी बेटियाँ वो उनकी बेटियों के लिए जो है सूटेबल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे लता जो है ये मैरिज मार्केट को देख के समझ के अपने रीडर्स को एक्सप्लेन करेंगी कि हमारी इंडियन सोसाइटी कैसी है हमारा इंडियन कल्चर कैसा है वो सब कुछ जो है हमें इस नॉवेल में देखने को समझने को मिलता है ऑल्सो द नॉवेल एक्सप्लोर हाउ विमेन सीम टू मैरी एंड द डायनामिक्स इन मैरिज मार्केट जो मैंने आपको अभी भी बताया कि औरतों को ना तो कोई एजुकेशनल राइट्स थे उस 1950s में तो अब मतलब हटा ही दो दूर मतलब शायद दो परसेंट या एक परसेंट वेमेन पॉपुलेशन होगी इंडिया की जिनको एजुकेशनल राइट्स थे या प्रोफेशनल राइट्स या फॉर एग्जांपल उनके पेरेंट्स मर्जी से शादी कर रहे होंगे कि तो अब तो दादा नानी दादी नानी से आज बैठ के बातें करो तो वो आपको बोलोगे बेटा आज तो तुम्हें इतनी चॉइस मिल रही है शादी करने की हमारे समय में क्या होता था हम तो मंडप पर जाके सीधा दूल्हे की शक्ल देखते थे तो वो हली बात जो है वो हमें यहाँ जो है देखने को मिलेगा अच्छा इन सब सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स को कवर करते करते हम और चीज़ें क्या देखेंगे सोशल ग्रुप्स सोसाइटी में कैसे क्रिएट होते हैं रिलीजियस ग्रुप्स कैसे क्रिएट होते हैं ये एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में कैसे रहते हैं फैमिलीज कैसे वर्क करती हैं चेंजिंग रेशियल नॉर्म्स ठीक है रेस का इशू कवर्ड है वायलेंस कम्यूनल वायलेंस कम्यूनल राइट्स एंड इंटर जनरेशनल कनेक्टेडनेस एक जनरेशन दूसरी जनरेशन के साथ कैसे कनेक्टेड है वो हमें इस नावल में भी देखने को मिला है ठीक है ना देन द नावल इज सेट इन द अर्ली नाइनटीन फिफ्टीज सेटिंग है नॉवल की पीरियड है इलेक्शन से पहले नॉवल का जो पूरा सेटिंग है वो दस साल के पीरियड में स्पैन कर रहा है एक डेकेट का लंबा स्पैन है नॉवल में ब्रह्मपुर नाम का एक फिक्शनल टाउन है अभी तक आई थिंक हम ये तीसरा नावल कर रहे हैं ईएमआरएस के लिए और तीनों की तीनों नावल्स में हमने फिक्शनल चीज़ें देखने को मिली हैं सबसे पहले हमने आर के नारायण का मालगुड़ी देखा फिर हमने खुशवंत सिंह का आ, मानो माजरा देखा आज हम विक्रम सेठ का ब्रह्मपुर देख रहे हैं ठीक है तो ये भी एक फिक्शनल टाउन है इंडिया का एंड अभी इंडियन इंडिपेंडेंस अभी हमें मिली है नाइनटीन में इंडिया की रिसेंट जो है इंडिया पाकिस्तान का डिविजन हुआ है सेपरेशन हुआ है और हम नाइनटीन में बैठे हैं तो अभी ये सब हुए अभी दो तीन साल ही हुए हैं लता हमारी जो है मेन कैरेक्टर है ठीक है उनकी मदर का नाम है मिसेज रूपा मेहरा रूपा मेहरा जो कि एक विडो है लेकिन वो जो है लता को एक फ्री इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड वुमन की तरह जो है बड़ा करेंगी सो सूटेबल बॉय जो है असेंचुअली इसमें हम नावल में जैसे मैंने आपको बताया चार इलीट फैमिलीज़ का बैकग्राउंड देख रहे हैं जब आप एक इस तरीके से एक फैमिलीज की स्टोरी देखते हो और वो फैमिलीज का जो है ड्रामा फैमिली ड्रामा आप किसी नावल में देखते हो ऐसे तरीके के नावल को सागा भी बोलते हैं फैमिली सागा ठीक है तो ये आई थिंक वर्ड आपको एसोसिएट करके रखना है इस नावल के साथ ये जो नावल है ये एक फैमिली सागा नावल है इसमें फैमिली का ड्रामा फैमिली की हिस्ट्री हमें जो है देखने को मिलती है

अब यहाँ पे लता के पास कितनी पावर है कितनी ऑटोनोमी है अपने अपने हस्बैंड को चूज करने की कि क्या उनकी मदर सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स के हिसाब से जो उनको चूज करके देंगी लता उसको ही चूज करेगी लता के पास वो फ्रीडम है कि वो जिससे प्यार करती है उससे शादी कर सके शी लव्स एंड दस डिफाइज हर स्टन वेल हिंदू मदर वाइल अरेंज मैरिजे द नॉर्म अक्रॉस इंडिया फॉर डजन ऑफ सेंचुरीज इन द मोर सेक्युलर एंड लर्नर सोसाइटी लेड जवाहरलाल नेहरू लता इज स्टार्टिंग टू फील दैट शी कैन चूज फॉर हर सेल्फ तो जैसे मैंने आपको बताया नॉवल में हम सिर्फ सोशल सोशल या कल्चरल बैकग्राउंड को नहीं स्टडी कर रहे हैं नॉवल में पॉलिटिकल बैकग्राउंड एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे नॉवल में पोलिटिकल बैकग्राउंड यह है कि जवाहरलाल नेहरू लेड जो हमारा ये नया नेशन था ठीक है जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक लर्नड uh, मैन थे इंग्लिश स्पीकिंग फॉरेन पर्सनालिटी थी उनकी काफ़ी ज़्यादा और मॉडर्नाइजेशन में बिलीव करते थे इंडिया को मॉडर्न बनाने की सोच थी उनकी तो ऐसे मॉडर्नाइज वर्ल्ड में लता अपने आप को देखती है कि मैं एक मॉडर्न इंडियन वुमन हूँ मेरे पास ये पावर ये अथॉरिटी ये फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं जो है अपने हस्बैंड को अपने पार्टनर को चूज़ कर सकूँ मैं क्यों ये जो पुरानी पीढ़ियों से चलता आ रहा है कि आपको हस्बैंड चूज़ करके दिया जाएगा मैं क्यों इसको जो है फॉलो करूँ लता रिसेंटली सो हर सविता मैरी एंड अप एंड अपकमिंग प्रोफेसर एट अ लोकल यूनिवर्सिटी तो नॉवल के बिगनिंग में हम देखते हैं हमें लता का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है सबसे पहले उसकी बहन सविता की शादी में तो सविता मेहता की शादी हो रही है प्राण कपूर से प्राण कपूर जो है लोकल ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी का जो है एक प्रोफेसर है ठीक है

एस्पेक्ट्स मैच होने चाहिए वो सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे मैच हो रहे हैं कि यहाँ सविता और प्राण की शादी हो सके तो इसलिए वो जो है इस शादी को ब्लेस करती हैं प्राइवेटली लता क्वेश्चन वेदर दू विल एवर बी ट्रूली हैप्पी एज दे वोर्स इन टू अ मैरिज विदाउट इवन गेटिंग टू नो इच अदर अब सविता जो है वो अपने मदर की तरफ जो है अपनी ड्यूटी की तरफ फरमा बदार हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले काफ़ी ओपनली उनको एक्सेप्ट कर रही है वो कह रही है हाँ जिस तरीके से मेरी मदर चाहती हैं मैं सोशली वो नॉर्म्स को एक्सेप्ट करूँगी बट लता ऐसी नहीं है लता सोच रही है कि मेरी बहन ने तो मेरे जीजा के साथ शादी से पहले मिलके के बाद भी नहीं की बैठी भी नहीं जाना भी नहीं वो कैसे इंसान है यहाँ ज़िंदगी बिताने के लिए उसने हाँ कर दी है तो ये कैसे चलेगा क्या ये चीज़ जो है उसके फ़ायदे में रहेगी मतलब सिर्फ अच्छे ख़ानदान से आने से या पैसा होने से तो शादी नहीं चलती है है ना दो लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए इन लोगों ने तो अपनी कंपैटिबिलिटी चेक ही नहीं की है तो ये शादी जो है कैसे चलेगी लता नोज अब लता जिससे प्यार करती है वो एक मुस्लिम बॉय है कबीर लता नोज दैट कबीर द मुस्लिम मैन लव्स इज अ सूटेबल बॉय अकॉर्डिंग टू हर मदर तो वो सो कॉल्ड जो सूटेबल फैक्टर्स होते हैं कि सेम कास्ट से हो सेम कम्युनिटी से हो वेल well अप हो एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से हो उसके खानदान के पास भी पैसा हो लड़के के पास भी पैसा हो वो जो सारे एस्पेक्ट्स जो लता लता की मदर जो हैं देखती हैं एक लड़के में वो स्यूटेबिलिटी मतलब कबीर में तो नहीं है ठीक है ना एंड लेकिन ये है कि उसका जो लता का जो प्यार है कबीर की तरफ वो जो एक पैशन है वो इतना नेवर एंडिंग है कि वो कबीर को छोड़ भी नहीं पाती है

कबीर की पर्सनालिटी भी जो है काफी अट्रैक्टिव है चार्मिंग है ही इज यंग ही इज़ गुड लुकिंग ही इज़ हैंडसम सो अगर उस तरीके से देखो तो लता का जो उसकी तरफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही जायज़ है बड़ा ही नेचुरल है बेटर स्टिल कबीर इज ऑल्सो अ स्टार ऑन द यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम कबीर पढ़ता है लता के साथ वो एक अच्छा क्रिकेट का प्लेयर है प्रोमिसिंग फ्यूचर स्पोर्ट्स प्लेयर लताज ओल्डर ब्रदर अरुण इज मैरिड टू मीनाक्षी द डॉटर ऑफ अ प्रॉस्परस मुस्लिम फैमिली बट लता इज ऑल टू अवेयर दैट शी इज नॉट अफोर्ड द सेम प्रिवलेज एज अ मैन फॉर अ वूमन टू चूज टू मैरी अक्रॉस रिलीजियस लाइन इज अनप्रेसिडेंटेड अब यहाँ पे सबसे बड़ी सोशल हिपोक्रेसी जो नोवेल में हमें दिखाई गई है वो ये है कि लता के सगे भाई ने उसके बड़े भाई ने अरुण ने खुद एक दूसरे रिलीजन की लड़की से शादी की है अरुण की जो वाइफ है वो मुस्लिम फैमिली से आती है लेकिन क्योंकि अरुण एक लड़का है वो अपनी माँ के सामने जो है ये हक से बोल पाया कि मुझे इससे शादी करनी है तो मैं करूँगा उसकी माँ मना नहीं कर पाई लेकिन लता के लिए ये सेम स्टैंड ले पाना मुश्किल है क्यों क्योंकि वो लड़की है क्योंकि वो औरत है लड़कों के पास वो स्टैंड है लड़कियों के पास नहीं है घर का बेटा जो है वो एक मुस्लिम बहू लेकर आ सकता है क्योंकि वो तो हमारे घर आके फिर हिंदू ही बन जाएगी लेकिन घर की लड़की मुस्लिम ख़ानदान में नहीं जा सकती तो ये जो सोशल हिपोक्रेसी है वो विक्रम सेठ ने बड़े प्यारे तरीके से अपने नावल में दिखाने की कोशिश की है Um, विपुल अ सूटेबल बॉय यूपी टीजीटी में विक्रम सेठ हमारे सिलेबस में नहीं है बाबा विपुल जब यूपी की डेट आएंगी तब शायद हम नए बैचेस भी बना देंगे मैं यहाँ पे भी पढ़ाई शुरू करवा दूंगी फिलहाल यूपी के लिए कोई डेट नहीं है हमारे पास ठीक है तो यस थैंक यू मैनय टीचिंग अरे वाह थैंक यू दीपा मुझे बहुत खुशी है आप आप, आप मुझसे पढ़ के खुश हैं थैंक यू सो मच इसके पी जो है आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिलेंगे एप्लीकेशन में मेरी कम्युनिटी बनी है वहाँ पे मैं कंबाइंड पी डी एफ इसका अपलोड करवाऊंगी तो मैं फिर से बता रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ऐप डाउनलोड करने का आप ऐप डाउनलोड कर लो वहाँ यह आपको पी डी जो है मैं प्रोवाइड करवाऊँगी ठीक है जी तो ये सोशल हिपोक्रेसी हमें जो है दिखाई गई है ओनली वन डे वन ऑफ रूपा स्पाइस रिपोर्ट्स टू हर दैट कबीर एंड लता हैव बीन वॉकिंग अराउंड ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी इन पब्लिक रूपा इज स्कैंडलाइज एट दिस न्यूज तो रूपा जो है रूपा मेहरा लता की मदर उनको एक दिन उनका कोई खबर सी बता देता है कि यूनिवर्सिटी में खुल्लम खुल्ला आपकी बेटी जो है कबीर एक मुस्लिम लड़के के साथ हाथ में हाथ डाले फिर रही थी बेशरम बेहया ठीक है तो अब रू रूपा इज हाईली स्कैंडलाइज किए मेरी बेटी कैसे मेरे परिवार का नाम डुबो रही है इफ़ वर्ड गॉट आउट दैट हर डॉटर कन्जॉटेड विद मुस्लिम्स नो प्रोमिनेंट हिंदू फैमिली वुड वॉन्ट टू टॉक विद हर मैं तो इसका रिश्ता देख रही हूँ अगर ये किसी रिश्ते वाले को ये बात पता लग गई कि मेरी बेटी ऐसे खुल्लम खुल्ला एक मुस्लिम लड़के के साथ हाथ में हाथ डाले घूम रही है फिर तो कोई रिस्पेक्टेबल हिंदू फैमिली का रिश्ता ही मेरी बेटी के लिए नहीं आएगा टू तो कीप लता अवे फ्रॉम कबीर रूपा हेस्टिली प्लान ट्रिप टू कैलकटा विच इज अ हंड्रेड माइल साउथ ईस्ट ऑफ ब्रह्मपुर तो साउथ ईस्ट आप जैसे समझ रहे हो तो क्लियरली हम समझ पा रहे हैं कि ब्रह्मपुर की जो लोकेशन है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया में कहीं है तो रूपा अपनी बेटी लता को कबीर से दूर रखने के लिए प्लान करती है कि फटाफट से चलो कैलकटा चलते हैं कैलकटा का प्लान बन जाता है इन कैलकटा रूपा मेहरा सेट्स हर डॉटर अप विद वेरियस हिंदू बॉयज हु शी डीम्स वर्थी ऑफ देयर कास्ट वहां जाके वो वह अपनी बेटी को एक के बाद एक जो है रिश्ते दिखाना शुरू कर देती है हिंदू फैमिलीज के लताज मदर डिग्स अप आर एब्सोल्यूट डड्स नॉट ऑल ऑफ देम आर ऑफुल मतलब वो रिश्ते दिखाती है बहुत सारे कुछ तो बहुत ही बेकार लड़के हैं क्योंकि वो जल्दबाजी में अपनी बेटी की शादी कराने में तो वो अच्छे रिश्ते भी लेके आ रही हैं बुरे रिश्ते भी लेके आ रही हैं सारे रिश्ते बुरे नहीं हैं कुछ अच्छे भी हैं अमित चाटर्जी अ वेल नोन पोएट एंड राइटर गेट्स अ लॉन्ग वेल विद द वर्ल्ड कल्चर लता बट इज प्रोबेबली गे फिर हमें पता लगता है एक कैरेक्टर है एक एक बंगाली बॉय है ही इज अ वेरी वेल नोन पोएट एंड राइटर एंड उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो लता के इंटेलेक्चुअल लेवल से मैच भी होता है लेकिन नॉवल्स में अंडर में कहीं ना कहीं जो हमें है हमें ये बात भी समझ आ रही है दैट ही इज ऑल्सो गे ही इज़ होमोसेक्शुअल विच इज़ एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिकॉज याद रखिए विक्रम सेठ हिम सेल्फ इज अ होमोसेक्शुअल इज अ गे एंड 2006-7 में इंडिया में जब आर्टिकल 377 को डी करने की बात चल रही थी तो उस टाइम पे ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग Uh, le leaders, one of the forerunners in the campaigns, uh, you know, against the uh, de uh, 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 who was standing in favor of decriminalization of homosexuality in India because he himself is. So he does put up a character like him. Ab probably characters never his character character. However, Amit's father is a prominent judge and his mother is a polished socialite. लता इज ऑल्सो सेटअप विद हर्ष अ हिंदू मैन हु रियली लाइक्स हर एंड हुम शी डी टू बी टॉलरेबल बट स्लाइटली बोरिंग ही ओन्स अ थ्राइविंग शू कंपनी देन वी हैव अनदर अदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर वी हैव द कैरेक्टर ऑफ हर्ष, हर्ष भी एक अच्छी हिंदू फैमिली से आता है उसके एक शू की कंपनी है खुद की ठीक है ये इतना भी बुरा नहीं है बट लता को उतना इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग भी नहीं लगता बोरिंग लगता है ठीक है तो अब ये बेसिकली एक मदर और डॉटर के बीच की कॉन्फ्लिक्ट है हमें जो नॉवल में असेंशली देखने को मिलती है जब ये रिश्ते बिश्ते देख के जब माँ बेटी की लड़ाई झगड़े होते होते एंड में हम देखते हैं कंक्लूजन की तरफ दैट एज अ स्टोरी कंक्लूड्स लता मेहरा फाइनली मेक्स हर डिसीजन शी विल नॉट मैरी कबीर इन स्टैट शी मैरीज अनादर स्यूटेबल बॉय सम वन हु इज़ गुड इनफ बट नॉट सम वन शी इज़ इन लव इथ एंड में हर नॉवल के वो हरीश नाम के एक कैरेक्टर से शादी कर लेंगी हु इज़ अ स्यूटेबल बॉय तो हम देखेंगे कि हमारे सोशियो पोलिटिकल प्रेशर्स के अंदर एक और लड़की जो है दब जाती है नहीं फ़र्क़ पड़ता वो एक अच्छी फैमिली से थी नहीं फ़र्क़ पड़ा कि वो एजुकेटेड थी इंटेलिजेंट थी पैशनेट थी नहीं फ़र्क़ पड़ा कि वो इस न्यू इंडिया इस न्यूली फेसिंग न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया की एक यू नो इंडिपेंडेंट फ़ीमेल कैरेक्टर थी ये सब चीज़ें भी उसके अगेंस्ट चली जाती हैं बिकॉज जनरेशन से जो हमारे सोशल और कल्चरल रूल्स बने बने हैं हम रातों रात उनको जो है तोड़ नहीं सकते ख़त्म नहीं कर सकते ठीक है तो ये जो नावल है हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये कैसे हमारे सोशल कल्चरल नॉर्म्स हैं जो मतलब एक इंसान को अपना दिल मार के अपनी अपनी खुशियों को साइड में रख के जो है उनको सोसाइटी तो के प्रेशर में आके चीज़ें करनी पड़ती हैं जैसे लता ने की थी लता एंड में जो है वो कबीर से शादी ना करके अपनी माँ के हिसाब से एक स्यूटेबल बॉय फाइंड करके उससे जो है शादी कर लेगी ठीक है तो ये नॉवल जैसे मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया कि बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिकल इस अब इसी बीच जो है और चीज़ें चल रही हैं नॉवल में आपको बीच बीच में जो है हिंदू मुस्लिम राइट्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा साथ ही साथ जो है नॉवल्स में उस नॉवल में उस पीरियड का जो जनरल इलेक्शन होने वाले थे नाइनटीन के उसका बैकग्राउंड देखने को मिलेगा आपको अनटचेबिलिटी की थीम जो है वो जो है नॉवल में देखने को मिलेगी आपको नॉवल में जो हमारा क्लास सिस्टम है कि कोई ज़्यादा पैसे वाला है तो वो अपर क्लास का है कोई कम पैसे वाला है तो लोअर क्लास का है तो क्लास सिस्टम के ऊपर भी एक्सप्लोरेशन तो ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं लेकिन जो मेन स्टोरी है वो हमें इन कैरेक्टर्स के थ्रू जो है देखने को मिलेंगी तो ये था आपका नॉवल विक्रम सेठ का सूटेबल बॉय आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो क्लास अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन एंड कल हम लोग ऐसे ही एक और ई एम आर एस के नॉवल के साथ जो है अपनी क्लास को कवर करेंगे अच्छा uh, जिन अगर कोई बैच uh, मैं आपको बता दूँ बहुत स्टूडेंट्स बैच की इन्फॉर्मेशन मुझसे ले रहे थे देखिए हमारा जो टीचिंग का महापैक है टीचिंग का महापैक है इस वक्त वो लोएस्ट एवर प्राइस पे है सिर्फ छब्बीस सौ रुपये में आपको दो सालों के लिए तभी बैचेस में फ्री एंट्री मिल जाएगी तो दो सालों के भीतर जो भी टेट टीजीटी पीजीटी पीआरटी का पेपर आता है जिसका हमारा बैच बनेगा आपको उसमें फ्री क्लास लेने का मौका मिलेगा किसी भी सब्जेक्ट में तो फायदा है उन लोगों को स्पेशली जो टीचिंग बैकग्राउंड हैं जिनके घर में एक नहीं दो तीन लोग प्रिपेयर कर रहे हैं या दो तीन दोस्त एक साथ मिलकर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कोई मैथ्स का प्रिपेयर कर रहा है कोई इंग्लिश कर रहा है कोई एस कर रहा है तो उन लोगों के लिए फायदे की बात है दो सालों के लिए आपको हर सब्जेक्ट का एक्सेस ओपन एक्सेस मिल गया है साथ ही साथ टीचिंग के पेपर्स के अंदर जितनी हमारी ई बुक्स हैं वो सारी फ्री में मिल जाएंगी जितनी हमारी टेस्ट सीरीज है वो सारी फ्री में मिल जाएंगी अच्छा नॉर्मली अगर आप मेरा डिस्काउंट लगाते हो नॉर्मली डिस्काउंट लगाने के बाद ये टीचिंग महापैक आपको तीन हज़ार का मिलता है अब ये आपको मिल रहा है छब्बीस सौ रुपये का और नॉर्मली आपको तीन हज़ार में एक साल की वैलिडिटी मिल रही है अब आपको मिल रही है छब्बीस सौ में दो सौ दो साल की वैलिडिटी तो अच्छा ऑप्शन है अगर आप में से कोई सोच ही रहा था बैच में इनरोल करने का तो ये राइट टाइम है आज आज में इनरोल कर लें बैच ये डिस्काउंट कूपन कोड आप ये लगा सकते हैं बाई फाइव इन क्लासेस का पी चाहिए और एम सी चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ऐप डाउनलोड का लिंक है ऐप पे ऐड उस, उस पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लो वहाँ मेरी कम्युनिटी पे मैं ये पी डी एफ अपलोड करवा दूँगी सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीबडी हैव अ वेरी गुड डे मैं कल मिलूँगी आप लोगों से सेम टाइम सेम प्लेस चार बजे ओनली ऑन टी जी टी पी जी टी ट्वेंटी फोर सेवन थैंक यू